तुम भी किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? मुझे किसी अमीरजादे से शादी नहीं करनी। इश्क मुर्शिद 8 अक्टूबर से इतवार शब 8 बजे। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। अमित, सकीना समन को खाना दे दिया? जी वो आ रही है, खाना साथ ही खाएंगी। That's a good news. सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारा डाइनिंग टेबल फिर से आबाद हो गया। कोई किसी का साथ तन्हा रहने के लिए नहीं इबादत। कोई चाहता भी नहीं कि तुम खुद को तन्हा समझो। अल्लाह हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए एहसास हमेशा कायम रखे। आमीन। शुरू करो। अरे थैंक यू। पापड़ डाले हो? डाल दूं? थैंक यू बेटा। क्या सादान ठीक कहता है कि अलिश्बा का माजी अब उसके साथ नहीं है? अगर अलिश्बा बदल चुकी है तो सारिम से उसकी नफरत खत्म क्यों नहीं होती? I'm sorry. मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। It's okay. देना तो हम दोनों में से कोई भी नहीं चाहता, बस शायद हमारे बस में नहीं। मैं आइंदा अपनी जुबान को कंट्रोल करूँ। और मेरा क्या, शायद मैं ना कर पाऊँ। कोई बात नहीं, मैं अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करी। हारिस मुझसे वादा करो कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो हम उसके सामने नहीं लड़ेंगे। तुम आखिर ऐसा चाहती हो? फिर तो मैं अभी से दुआ करूंगा इसके लिए। इनफैक्ट वेट क्यों करें, अभी से भी तो कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। क्यों, तुम हंसी हो ना, तो मुझे आइडिया होगा कि तुम्हारा मूड ठीक है। हाय, कैसी हो टीना? मैं ठीक हूँ। आंटी का रूम नीचे, मैं उनसे नहीं तुमसे मिलने आई हूँ। अच्छा बैठो। बैठने का वक्त नहीं है अलिश्बा, तुमसे फारिस के बारे में बात करने आई हूँ। नहीं, मुझे तुमसे फारिस के बारे में कोई बात नहीं। प्लीज अलिश्बा, मुझे गलत मत समझो। मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम गलत नहीं थे, कि मैं तो समन की बातों में आके तुम्हें गलत समझ बैठी। फिर क्या नया तमाशा? तो मैं बहुत परेशानी में आई हूँ तुम्हारे पास। समन पाकिस्तान से जा रही है। कहाँ? कनाडा। वो फारिस से अपना हर ताल्लुक तोड़ के जा रही है। लेकिन उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, भाभी उस दिन बता रही थी। ऊपर से प्रेग्नेंट भी है वो, इसीलिए तो आई हूँ मैं तुम्हारे पास। फारिस को बिल्कुल परवाह नहीं है उसकी। फिर फारिस एक बार कहेगा तो वो रुक जाएगी। सुपेर अंकल, नवीरा, फारिस किसी ने भी नहीं रोका उसे अलिश्बा। समन को ये हिमाकत नहीं करनी चाहिए। वो तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कर रही है। उसे लगता है कि तुम फारिस को उसे दूर कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर साबित करो ना ये बात। बल्कि फारिस को कहो वो साबित करे। मैं देखो, अगर फारिस तुम्हारे कहने पर समन को अपना सकता है तो वो तुम्हारे कहने पर उसे रोक भी लेगा। प्लीज अलिश्बा, फारिस को कहो वो समन को रोक ले। नहीं अलिश्बा, वो फोन पर बात नहीं सुनेगा तुम्हारी। लेकिन मुझे यकीन है वो इस बात का इल्ज़ाम भी समन को देगा। वो इस वक्त ऑफिस में होगा, तुम चली जाओ उसके पास। मैं एयरपोर्ट पहुंचकर समन को रोकने की कोशिश करती हूँ। नहीं टीना, मैं उसके ऑफिस नहीं जा सकती। कॉल भी उसे मैं तुम्हारे कहने पर कर रही थी।
देखो अलिश्पा, तुम्हें बात की संगीनी का अंदाजा नहीं है। मैं एयरपोर्ट पहुंचकर समन को रोकने की कोशिश करती हूँ। अगर तुम अपने सामने कॉल करवाओगी फारिस से तो वो जरूर रोक लेगा उसे। प्लीज प्लीज चले जाओ। देखो अगर तुमने फोन पर रब्ता करने की कोशिश की तो यही समझेगा कि मैंने आके तुम्हें सब कुछ बता दिया। समन गुस्से में अपने साथ कुछ बुरा कर लेगी। प्लीज प्लीज रोक लो उसे। अच्छा मैं आती। वालेकुम सलाम। आओ। कैसी हैं आंटी? बिल्कुल ठीक। बैठो। कब आई? बस अभी आई थी, अलिश्पा के पास खड़ी हो गई थी। उसने कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं, वो तो बहुत जल्दी में थी। जल्दी में किस लिए? आई थिंक फारिस के ऑफिस जा रही है, फारिस से मिलने। फारिस के ऑफिस? जी, मैंने उसे खुद कॉल पे बात करते सुना है। कह रही थी कि फारिस मैं आ रही हूँ तुम्हारे ऑफिस। क्या आपको नहीं पता था आंटी? मुझे तो पहले से आइडिया है कि वो लोग मिलते रहते हैं। सादान को यकीन नहीं है ना? हाँ, लेकिन अगर सादान भाई खुद अपनी आंखों से देख लेंगे तो फिर तो उन्हें यकीन आ जाएगा। तुम्हें पक्का पता है कि वो फारिस के ऑफिस ही गई है? जी आंटी, मैंने खुद सुना है। यही कह रही थी कॉल पे कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे ऑफिस। मुझे लगता है अगर सादान भाई भी देख लेंगे तो उन्हें यकीन आ जाएगा। जी मामा। कहाँ हो तुम? ऑफिस में? नहीं, बाहर आया हूँ काम से। खैरियत है? खैरियत तो कब की नहीं है इस घर में, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आता। अलिश्बा कहाँ है इसका? क्या मतलब, अलिश्बा घर पर नहीं है क्या? फारिस से मिलने गई है। मामा प्लीज, घर पर बहुत वक्त होता है इन सब बातों के लिए, यहाँ नहीं। नहीं आया ना यकीन? जाके देख लो फारिस के ऑफिस, और तब भी तुम्हें यकीन ना आए तो मैं यही समझूंगी कि तुम्हें अलिश्पा और फारिस के ताल्लुकात से कोई फर्क नहीं पड़ता। समन का है? घर होगी? झूठ मत बोलो मुझसे फारिस। क्यों दुश्मनी कर रहे हो खुद से भी और मुझसे भी? मैंने क्या किया अलिश्पा? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम समन को खुश रखोगे, और मेरे वादा पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए वो जा रही है ना तुम्हें छोड़कर? नहीं, तुम्हें क्या लगा वो चली जाएगी और मुझे पता नहीं चलेगा? फारिस एक बात याद रख, अगर वो घर छोड़कर चली गई ना, मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। और ये भी समझूंगी कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ झूठ और एक धोखा थी। वो कहीं नहीं जा रही। हाँ नाराज थी मुझसे, लेकिन अब ठीक है। तुम्हें किसने कहा वो जा रही? टीना ने। हेलो, कहाँ हो समन? वहीं जहाँ छोड़ के गए थे। मैं तो हमेशा वहीं पाई जाऊंगी जहाँ छोड़ के जाऊंगा। मेरा मतलब है घर पे हूँ, और कहाँ आऊंगी? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके बाय। बाय।
फिर टीना ने उनसे झूठ क्यों बोला? उसकी फैमिली को समन से बहुत हमदर्दी है। समन ने कुछ कहा होगा उसका, उसने गलत मतलब ले लिया होगा। मुझे तो उसने कहा था कि समन एयरपोर्ट के लिए जा चुकी है और वो उसे रोकने उसके पीछे जा रही है। बैक कर लूंगी मैं। I'm feeling sorry, Faris. अनिश्बा, मैं हर अजियत उठा सकता हूं लेकिन तुमसे किए हुए वादे से नहीं मुकर सकता। अलिश्बा, तुम्हें कभी मेरी याद आती है? I'm sorry. नहीं फारिस, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें भूल सकती हूँ और ना ही लोग मुझे तुम्हें भूलना देंगे। क्या मतलब? तुमसे मोहब्बत आज भी मुझे कटहरे में खड़ा करती है फारिस। तुम्हारा मतलब सादान? नहीं, उनका साथ ही तो मुझे कटहरे में भी सर उठाकर खड़ा होने का हौसला देता है। अब मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ा था, चलो। हेलो जी, कॉल आई थी आपकी। बस वैसे ही कॉल की थी, लेकिन शायद तुम बहुत बिजी थी। मैं बाहर आई हुई थी जरा काम से। मेरी कॉल अटेंड नहीं की तुमने,
तो यकीनन कोई जरूरी काम ही हो। जी बस मार्केट तक ही आई थी। ओके कहाँ गई थी तुम? कोई काम था आपको मुझसे? अल्लाह ना करे मुझे अपने कामों के लिए तुम्हारा मोहताज होना पड़े। आंटी मुझे लगा कि आप पूछ रही थी मेरा शायद जरूरत होगी आपको मेरी। जरूरत तो शायद अब उसको भी नहीं होगी तुम्हारी जिसके जोर पर तुम यहाँ बैठी हुई हो। क्यों अब कोई नया इल्जाम लगाने का सोचा जा रहा है? हमें क्या जरूरत है तुम पर इल्जाम लगाने की? तुमने बताया नहीं तुम कहाँ गई थी। रीना ने नहीं बताया आपको? उसको क्या पता कि तुम कहां जाती हो। हाँ इसी बिल्डिंग का एड्रेस है, फोर्थ फ्लोर पे आ जाओ। ठीक है। किसे बुला रहा है? कोई? यार प्लीज अब किसी लड़की को मत बुलाएं मेरे फ्लैट पे। कोई लड़की नहीं है, रिलैक्स। फयाज है अपना, मिलना चाह रहे। फयाज तेरा ड्राइवर, अब उसको क्यों बुला रहे हैं? ज़्यादा गुस्सा मत खाओ। तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए आ रहा है। मुझे ना उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। जाओ आ गया वो, दरवाजा खोल। मैं नहीं जा रहा, तू खुद जा। वालेकुम अस्सलाम। आओ 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 आओ। एडवांस। कैसे हो फयाज? जी साहब अल्लाह का शुक्र है। ये बताओ कि अब तुम्हारी बेगम कैसी है? बस जी साहब जी ठीक नहीं है, कभी कुछ और कभी कुछ। मैंने बेगम से मशवरा किया था, वो कहती है कि मैं आप दोनों से माफ़ी मांगूं। माफ़ी किस बात की? वो साहब मैंने काशी साहब का नाम जो ले लिया था। काशी तो तुम्हें कब का माफ कर चुका है, बेफिक्र हो जाओ। एक मिनट। मैंने इसे कोई माफ नहीं किया। इसकी माफी से तुम्हारी मामा तुम्हारे भाई की नजरों में मैं बेकसूर साबित नहीं होऊंगा। और जल्दी गुस्सा नहीं आने लगा तुम्हें? फयाज कुछ कह रहे हो, उसे अपनी बात खत्म करने दो। हाँ फयाज, जिंदगी भर इसी तरह गाड़ियों के टायर धोने या जॉब पे वापस आने? बस साहब जी अगर आप मुझे वापस बुला लें तो मैं आपका सारी ज़िंदगी एहसान मंद रहूँगा। हाँ फयाज वो तो है, लेकिन तुम तो जानते हो मेरी एक छोटी सी शर्त है। और साहब जी मैं अलशबा मैडम पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकता हूँ? मुझ पर बहुत एहसानात हैं उनके। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। मुझे लगता है तुम जिंदगी भर गाड़ियाँ ही धोना चाहते हो। काशी ये चला जाए तो दरवाज़ा लॉक कर देना। वो नहीं साहब जी, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। अब मेरी बात तो सुने ज़रा। ये हुई ना बात। जाओ जाके सादान भाई से कह दो कि तुमने झूठ बोला। और ये झूठ बोलने के लिए अलिशबा ने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए थे। सोच लो, नौकरी भी वापस, तनख्वाह भी डबल, और वो इनाम जो मैंने तुम्हें दिया है वो भी। ठीक है, मंजूर है मुझे। गुड। ऐसे टाइम पे घर जाना जब साधन भाई होगा। एक काम करो, आज रात को ही चले जाओ, बेहतर है। ठीक है सर। मानता है रिस मेरा पास था सादान, नहीं है वो मेरी जिंदगी में।
मुझे फारिस से मोहब्बत तब हुई थी जब हमारे बीच डिसाइड हो चुका था कि हम एक दूसरे के लिए नहीं। जाके देख लो फारिस के ऑफिस, और तब भी तुम्हें यकीन ना आए तो मैं यही समझूंगी कि तुम्हें अलिश्पा और फारिस के ताल्लुकात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसी लड़की जिसके किरदार पर बात करते हुए मुझे तो शर्म आती है, तुम तो उसकी खातिर हमें छोड़कर जाने का फैसला कर चुके हो। सादान, मुझे अगर आपको छोड़कर ही जाना होता तो इस घर में अब तक जो कुछ होता आया है मैं वो बर्दाश्त ही क्यों करती। लेकिन भाई वो भाभी का माजी था तो वो आपके साथ कमिटेड है और लॉयल भी है, और तुम्हें यकीन है कि उसका ये किरदार सिर्फ माजी में था। तुम्हारी कॉल ने मुझे हैरान कर दिया था, ऐसे पूछ रहे थे जैसे कहीं भाग जाऊंगी मैं। तो डर लगा रहता है ना कब तुम नाराज हो जाओ और घर छोड़ने का फैसला कर लो। अगर मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होता तो तुम्हारी जिंदगी में क्यों आती? सब मैं भी चाहता हूँ कि तुम कहीं ना जाओ। इतने प्यार से बोलोगे ना कभी भी नहीं जाऊंगी। हाँ मैं चाय भेजती हूँ। अरे मैं तुम्हें कॉल करने लगी थी। मैं तो तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, मैं तुम्हारा नंबर ही ऑफ मिल रहा था। ओह हाँ सच में ऑफ था, आई एम सो सॉरी। अच्छा खैर फारिस आ गया घर? बाय द वे गुड न्यूज़ है, मेरी और फारिस की दोस्ती हो गई। मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देती हूँ ना। अच्छा खैर ये बताओ कि मूड कैसे है उसका? बहुत अच्छा भाई, मूड तो उसका अच्छा होना ही है, यही एक्सपेक्ट करी थी मैं। क्या मतलब? छोड़ो तुम जाओ अभी, फारिस को टाइम दो, कल आती हूँ ना मिलती हूँ तुमसे फिर बताती हूँ तुम्हें। ओके कहाँ रह गए थे आप, कब से इंतजार कर रही थी मैं आपका। घर आने के लिए हिम्मत पैदा कर रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि घर आने के लिए आपको हिम्मत पैदा करनी पड़ रही थी? जब इंसान किसी से नजरें मिलाने के लायक ना रहे ना तो हिम्मत खत्म ही हो जाती है। माँ है, हिम्मत तो पैदा करनी पड़ेगी ना आपको। कब तक आप मेरी साइड लेते रहेंगे और लड़ते रहेंगे उनसे? ठीक कहा तुमने, कब तक मैं तुम्हारी खातिर जमाने से लड़ता रहूंगा, तुम्हारे लिए स्टैंड लेता रहूंगा। हिम्मत उनसे नजरें मिलाने के लिए नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें फेस करने के लिए चाहिए। सादान कोई शिकवा है आपको मुझसे? बताएं सादान क्या हुआ है? बस कर दो अनिश्मा, बख्श दो मुझे। सारे जमाने को झूठा समझकर मैं तुम्हें सच्चा समझता रहा, कम से कम इस बात का ही लिहाज कर लेते कि मैंने तुम पर कितना एतबार किया। मैंने आपका एतबार कब तोड़ा है सादान? मुझे ज़बान खोलने पर मजबूर मत करो लक्ष्मा। तो खोल लें ज़बान, अगर आपके दिमाग की गंदगी ज़बान खोलने से निकलती है तो प्लीज खोलें। क्यों धोखा दिया तुमने मुझे, क्यों? मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको लक्ष्मा, तुमसे अच्छी तो समरा थी, दंके की चोट पर छोड़ के गई मुझे, मुझे धोखा देकर किसी और से मोहब्बत नहीं निभाई। इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे?
मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें समरा के बारे में अगर सच बता सकता था तो तुम्हें भी मुझे फारिस के बारे में बता देना चाहिए था। क्या बताती मैं आपको? आपकी मेरी जिंदगी में आने से पहले ही फारिस का ख्याल मैंने अपने दिल से निकाल दिया था। और उसकी मोहब्बत, अगर उसकी मोहब्बत तुम्हें इतना ही बेचैन करती थी कि तुम्हें उससे मिलने के लिए ऑफिस जाना पड़ता था तो मुझे बता देती, अलिशबा मैं निकल जाता तुम्हारी जिंदगी से और खुशी खुशी निकलता, यही सोचता कि मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, तुम्हें मिल जाए। सदा मैं फारिस के ऑफिस उसकी मोहब्बत में नहीं गई थी। तो क्या वहां मेरी मोहब्बत का दम भरने गई थी? अलिशबा बस कर दो ये चूहे बिल्ली का खेल, कब तक खेलती रहोगी, कब तक करती रहोगी ये सब कुछ? तुमने सारिम को भी मेरी और मामा की नजरों में गिराना चाहा क्योंकि वो तुम्हारे और फारिस के बारे में जानता था। तो तुम्हारे जहां से मैं आ गया, लेकिन मेरी मामा ने तुम्हारी जगह अपने बेटे पर भरोसा करने को ठीक समझा। काश मैंने भी उस पर ही भरोसा किया। बहुत सेल्फिश हो अलिशबा, बहुत सेल्फिश। इतनी सेल्फिश कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं पहले ही एक औरत के हाथों धोखा खा चुका हूं। तुमने मुझे समरा से भी गहरी चोट दी। यहां एक बार भी ये नहीं पूछेंगे मुझसे कि मैं फारिस के ऑफिस करने क्या गई थी? नहीं, क्योंकि अब कुछ सुनने और जानने को रह क्या गया है। मैं तुमसे फिर पूछूंगा, तुम फिर कोई ना कोई झूठ बोलोगी। मेरे अंदर अब मजीद हिम्मत नहीं है तुम्हारे झूठ सुनने की। चाहो तो फारिस को खुशखबरी सुना दो, तुम्हें मुझसे रिहाई मिल गई है। टीना ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे तो उसने कहा था कि समन एयरपोर्ट के लिए जा चुकी है और वो उसे रोकने उसके पीछे जा रही है। टीना ने अलिशबा से झूठ क्यों बोला? इस झूठ से वो क्या चाहती थी आखिर? क्यों टीना को लगा कि समन मुझे छोड़कर जा रहे थे? टीना का मकसद अगर अलिशबा को परेशान करना था तो इसमें टीना का क्या फायदा? कहीं टीना और सारिम की कोई नई चाल तो नहीं? मुझे अलिशबा से पूछना चाहिए इस बार। अब बहुत देर हो चुकी है, सुबह कॉल करता हूं। एक पल को भी ना था गवारा कल जिनसे दूर रहना हमारा। मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको, देखना भी मुमकिन। अब की मेरी जिंदगी में आने से पहले ही फारिस का ख्याल मैंने अपने दिल से निकाल दिया था। हमसे होके दूर वो नहीं, हम रहते गुम। मैं फारिस के ऑफिस उसकी मोहब्बत में नहीं गई थी। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी, हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। खेल बन गई है ये जिंदगानी, खेल बन गई है ये जिंदगानी।
क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों? निष्पा तुमसे अच्छी तो समरा थी, दंके की चोट पर छोड़ के गई मुझे, मुझे धोखा देकर किसी और से मोहब्बत नहीं निभाई। निष्पा बस कर दो ये चूहे बिल्ली का खेल, कब तक खेलती रहोगी, कब तक करती रहोगी ये सब कुछ? तुमने सारिम को भी मेरी और मामा की नजरों में गिराना चाहा, क्योंकि वो तुम्हारे और फारिस के बारे में जानता था। मैं तो तुम्हारे जहां से मैं आ गया, लेकिन मेरी मामा ने तुम्हारी जगह अपने बेटे पर भरोसा करने को ठीक समझा। काश मैंने भी उस पर ही भरोसा किया। बहुत सेल्फिश हो लिश्मा, बहुत सेल्फिश। इतनी सेल्फिश कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं पहले ही एक औरत के हाथों धोखा खा चुका हूं। तुमने मुझे समरा से भी गहरी चोट दी। चाहो तो फारिस को खुशखबरी सुना दो, तुम्हें मुझसे रिहाई मिल गई है। प्लीज मुझे एक मौका तो दें बात करने का। सादान मत करें इस तरह मेरे साथ प्लीज। बहुत एतबार करके आई हूं मैं आपके पास, एक गलती की वजह से इतनी बड़ी सजा तो मत दें मुझे। एतबार तो मैंने भी किया था। क्या तुम्हें फारिस से मोहब्बत नहीं है? उससे मोहब्बत ऐसी कभी थी नहीं मुझे जो आपसे दूर करते। कर दिया दूर, गुड मॉर्निंग। ढंग से सलाम नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता लगवाओ। नहीं, भाई का है, नजर नहीं आ रहे, सो रहा है शायद। चलो ठीक है, जब उठ जाएंगे तो उनके साथ ही नाश्ता करूंगा। ठीक है। वैसे मॉम क्या बात है, कल रात से काफी सन्नाटा है घर में, ना भाई नजर आए ना भाभी। दोनों मुंह छुपा रहे हैं। वो क्यों? मासूम क्यों बन रहे हो? टीना ने तुम्हें बता दिया होगा। इसका मतलब टीना ने आपको बता दिया कि अलिश्बा फारिस से मिलने गई थी? हाँ, वो यहीं थी जब अलिश्बा गई थी। टीना को आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था, अब घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। तूफान तो आ चुका है सारे। मैंने तो फौरन सादान को फोन किया कि अभी जाओ और खुद अपनी आंखों से देखो। मुझे लगता है उसे यकीन आ गया है कि अलिश्बा कितनी टू फेस्ड है। स्टीना से बिना कोई बात डाइजेस्ट नहीं होती जब तक वो आपको ना बता दे, ये उसका प्रॉब्लम है। टीना को क्यों गलत कह रहे हो? उसने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मॉम मैं खुद हमेशा से ये तमाशा देख रहा हूँ, मैंने तो घर में किसी को नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल ना खराब हो। क्या मतलब? अलिश्बा पहले भी फारिस से मिलने जाती थी? आपको क्या लगता है मॉम, अलिश्बा को हमारे यहाँ इस घर में रह के कौन सा सुख और चैन मिल रहा है जो वो अपनी माँ के घर नहीं जा रही? ऑब्वियसली वहाँ पे नवेरा बैठी है, पर वो नवेरा के सामने उसके भाई से तो नहीं मिल सकती, और यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं करता, कोई पूछगछ ही नहीं। जो कुछ भी है अब सादान को फैसला लेना पड़ेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, उसने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ। अगर सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी अलिश्बा ने कल रात इस घर में गुजारी है तो मेरे भाई की गैरत को तो। रूमी किस तरह बात कर रहे हो तुम? बड़ा भाई है वो तुम्हारा, शो सम रिस्पेक्ट।
लिश्मा मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कल कोई मसला तो नहीं हुआ? मैं नहीं जानता कि टीना ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन एक बात का मुझे पता है कि मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। खेल बन गई है।